अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। अगले 10 साल तक मैं ही रियासत का वज़ीर आला रहूंगा। केसीआर ने केटीआर की चीफ मिनिस्ट्री को लेकर की जा रही तमाम खयास आरइयों का किया खात्मा। गैर ज़रूरी बयानबाजी से गुरेज किया जाए, पार्टी कायदीन को दी हिदायत। आरटीसी मुलाजमीन की मुलाजमतों की तमानियत के सिलसिले में जॉब सिक्योरिटी दस्तावेज को रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने किया जारी। टीआरएस पार्टी आमिला का पार्टी हेडक्वार्टर में खसूसी इजलास। 12 फरवरी से पार्टी रुकनियत साजी मुहिम का होगा आगाज। मुख्तलिफ उमूर पर इजलास में किया गया तबादले ख्याल। आरटीसी बस ड्राइवर की लापरवाही। एमजीबीएस में 3 साल लड़का हादसे में हलाक। मुतालिका पुलिस ने की जाब्ते की कार्रवाई। डकैती और इकदाम कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिम और डकैत शुदा माल खरीदने वाला शख्स गिरफ्तार। वनस्थिलपुरम पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वह अगले 10 साल तक रियासत के वज़ीर आला रहेंगे। तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन के साथ मुनक़िदा खसूसी इजलास में वज़ीर आला ने तमाम वज़रा और कायदीन को ताकीद की कि वो वज़ीर आला के ओहदे को लेकर गैर ज़रूरी बयान देने से गुरेज करें। वादा है कि पिछले 2-3 महीनों के दौरान कई TRS कायदीन बशमूल रियासती वज़रा, मेयर और डिप्टी मेयर ने बयान देते हुए कहा था कि रियासती वज़ीर और KCR के फर्जंद KTR को वज़ीर आला का ओहदा दिया जाएगा। ताहम इतवार को हुए इजलास में वज़ीर आला KCR ने तमाम इम्कानात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो सेहतमंद हैं और अगले 10 साल तक वो रियासत के वज़ीर आला रहेंगे। गणेश सारे कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव गारी नायकत्वं कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव गारी नायकत्वं KCR KTR ल तेलंगाना रियासत की हुक्मरान जमात TRS की जानिब से पार्टी आमिला का खसूसी इजलास। पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन में इतवार को वज़ीर आला तेलंगाना और सदर पार्टी KCR की क़यादत में मुनक़िद हुआ। तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहे इस इजलास में वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने कई अहम उमूर बशमूल बल्दी इंतखाबात, ग्रेजुएट MLC हल्के इंतखाबात और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक 12 फरवरी से रियासत भर में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज होगा, जबकि रुकनियत साजी का निशाना 60 लाख मुखरर किया गया है। उन्होंने तमाम कायदीन को हिदायत दी कि हर असेंबली हल्के से 50,000 कारकुनों को रुकनियत साजी मुहिम में शामिल करें। इजलास में फैसला लिया गया कि पार्टी का प्लेनरी इजलास 27 अप्रैल को मुनक़िद किया जाएगा, जिसके बाद एक जलसे आम भी मुनक़िद होगा। शासन मंडल सभ्य पार्टी प्रारंभ अद्भुत पोलिटल फोर्स इप्ड नायकत्व निर्णय चला पार्टी पेटना प्रतिकूल पैस्थित आखिर मैं को अंदर अंदर
అంత ఈజీ కాదు. దానికి ఈక్వేషన్, సిచ్యువేషన్, టైమింగ్ ఊహలేదు. పద్మనాభ వారికి రావడం వాళ్ళకి గొప్ప, ఇది రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి ఇలా ఏదో వాళ్ళకి కొంత భేదాలు. నాతో పాటు ఆయన ఫస్ట్ టైం ఓడిపోయింది, ఇది ఓడిపోయింది ఆయన ఓడిపోయింది, సెకండ్ టైం ఇద్దరు టాప్ అవ్వడం. నేను పోయి పాపం గంట చెప్పి ఇలా చెప్పి ఇంకే తిరిపేటలో ఉంటుంది. తిరిపేట కుమార్ సేవ ఉంటుంది, ఆ కుమార్ సేవ పక్కన కూడా ఐదు గెస్ట్ హౌస్ ఉంటారు. గంట రెండు గంటలు చెప్పి रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने ट्रांसपोर्ट भवन में जॉब सिक्योरिटी पॉलिसी दस्तावेज जारी किया. इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर TSRTC सुनील शर्मा, IAS के अलावा दीगर भी मौजूद थे. वाज़ह रहे कि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था कि महकमे RTC के मुलाजमीन की मुलाजिमतों की तमानियत की गर्ज से जॉब सिक्योरिटी पॉलिसी दस्तावेज जारी की जाएगी. रियासती वज़ीर पी अजय कुमार ने इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला سے مذکورہ دستاویز کی اجرائی پر اظہار تشکر کیا. میڈیا مطر کی اندر کی نمسکار. چالا سنتوشم ای روزو ای RTC ادیوگ اسطلی اکا بدرتا بدرتا اکس ادیوگ بدرتا اکس سمجھنی چنا پالسی پیپر نی مکہ مندر گارو سنتکن جیسی ایوال انڈی گار چیدل میرگا ای پالسی پیپر نی منام ویڈل جیس کنٹو ناتکو ناک چال سنتوشم ہوتا. ఆర్టీసీ చరిత్రలో గతంలో రవాణా శాఖ మంత్రిగా ఉన్న మన గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఇప్పుడు సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులుగా ఉండి వారి హామీతోని ఈ ఉద్యోగ భద్రతకు సంబంధించి ఒక ప్రధానమైన అంశంతో ఉద్యోగుల్లో కొంత ఆ రోజు అభద్రత ఉన్న సమయంలో జరిగిన సమ్మె విరమించే సమయంలో సమ్మె తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు సాక్షాత్తు అందరినీ పిలిచి ఉద్యోగస్తులను పిలిచి భోజనం పెట్టి అనేక వరాల జల్లు కురిపించారు. వాటన్నిటినీ కూడా ఒకటి తర్వాత ఒకటిగా నెరవేర్చుకుంది. TRS पार्टी, GHMC मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवारों के नामों का मेयर के इलेक्शन के दिन ही ऐलान करेगी. वज़ीर आला ने पार्टी आमिला के इजलास में बताया कि बंद लिफाफे में मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर खड़े होने वाले कायदीन के नाम होंगे. उन्होंने तमाम TRS कॉरपोरेटर्स और वोट देने के अहल कायदीन को हिदायत दी कि वो पार्टी की जानिब से खड़े किए गए उम्मीदवारों को मुंतखब करवाएं. वाज़ह रहे कि 11 फरवरी को 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स को हलफ दिलवाने के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब अमल में आएगा और हैदराबाद ज़िले कलेक्टर श्वेता मोहंती मस्कूर इंतखाबात के लिए प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगी. इस मरतबा मेयर ओहदे को खातून के लिए मख्तस किया गया है. हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स की जानिब से जहां 20,000 लीटर पानी हर घर को मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया गया है, वहीं दूसरी जानिब गैर मजाज नल कनेक्शन के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया है. महकमे वाटर वर्क्स ज़राए के मुताबिक GHMC हदूद में 10,80,000 नल के कनेक्शन हैं, जिन्हें कंज्यूमर अकाउंट नंबर जारी करते हुए महकमे की जानिब से हर माह बिल वसूल किया जा रहा है. तहम मज़ीद 2-3 लाख गैर मजाज नल कनेक्शन होने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद ओहदेदारों ने घर घर सर्वे करने का फैसला किया है.
عہدیداروں نے عوام پر زور دیا ہے کہ اپنے غیر مجاز کنکشن کو یا تو باقاعدہ بنا لیں یا پھر کرمنل کیسز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چیف جنرل مینیجر ریوینیو ٹی وی سری دھر کے مطابق مختلف بے قاعدگیوں میں ملوث افراد کے خلاف 273 کیسز پہلے ہی درج کیے جا چکے ہیں۔ ریاستی وزیر اور رکن اسمبلی مہیشورم سبیتا اندرا ریڈی نے الماس گڑھے کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے بتایا کہ حلقہ اسمبلی مہیشورم کے علاقوں میں تمام تر سہولتیں پہنچانے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر مقامی ٹی آر ایس قائدین اور کارکنوں کی جانب سے سبیتا اندرا ریڈی کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا۔ ممتاز ماہر قانون شفیق الرحمان مہاجر نے کہا ہے کہ ملک کے استحکام کے لیے دستور اور قانون کی درست و مناسب تعویلات ضروری ہے۔ ایڈوکیٹ شفیق الرحمان مہاجر ڈاکٹر حیدر علی خان آڈیٹوریم واقع میسکو کمپلیکس میں کل ہند مجلس تعمیر ملت کی جانب سے منعقدہ سید خلیل اللہ حسینی یادگار لیکچر سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس کی صدارت صدر تعمیر ملت سید جلیل احمد ایڈوکیٹ نے کی، جبکہ معتمد یوسف حامدی نے کاروائی چلائی۔ انہوں نے کہا کہ سماج کے تقاضوں کے مطابق دستور میں تبدیلیاں ہوتی رہنی چاہیے۔ ماہر معاشیات پروفیسر عامر اللہ خان نے دیے گئے عنوان پر اپنا لیکچر پیش کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں تناسب کو بڑھانے کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے مختلف اعداد و شمار بھی پیش کیے۔ ابتدا میں انجینئر عبدالجلیل طارق نے خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر اعزازی سیکرٹری میسکو ڈاکٹر فخر الدین محمد کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ امیر اسلم خان نے مہمانوں کی شال پوشی بھی کی۔ ووکیشنل ایجوکیشن پہ زور، نئی ایجوکیشن پالیسی دیتی ہے تاکہ جب آپ پاس کریں اسکول تو آپ کے پاس کوئی احساس نہیں ہے۔ پہلا بنیادی فلوسافیکل فرق ہے ایجوکیشن کے آبجیکٹو پر۔ اگر آپ ایک طرح سے سوچتے ہیں تو آپ ایک ایجوکیشن پائیں گے، اگر آپ دوسری طرح سے سوچتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو دوسری قسم کی ایجوکیشن دیں گے۔ یہ پہلا، میں اس پہ زیادہ ذکر نہیں کروں گا، بس یہ پہلا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دوسرا پوائنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایجوکیشن کتنی لینی ہے۔ تو ایک تو ہوا کہ کیوں، دوسرا سوال ہے کہ کتنی ایجوکیشن دینی چاہیے ہمارے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے قوم کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنے ایڈلٹس کو۔ تو یہ دنیا بھر میں ایک اعداد و شمار اس کے ملتے ہیں کہ مین ایئرس آف اسکولنگ کہتے ہیں، کہ ایک ملک میں اس ملک کے بچے کتنے اوسطاً کتنے سال اسکول میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ وہ فگر دیکھیں، مین ایئرس آف اسکولنگ والا نمبر دیکھیں، تو اس میں سب سے کم نمبر انڈیا کا ہوگا، کیونکہ انڈیا میں اوسطاً ہمارے بچے 7 سال اسکول میں رہتے ہیں۔ انگلینڈ امریکہ وغیرہ میں دیکھیں تو وہ 16-17 سال۔ تو اب اس کا اس سوال سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کتنے سال اسکول میں رہتے ہیں، کیا ہم بچوں کو 6 سال پڑھائیں، 12 سال پڑھائیں، 17 سال پڑھائیں یا 23 سال پڑھائیں۔ مختلف خیالات، مختلف ایتھنیسٹیز، مختلف مذہب، مختلف زبانوں کے بولنے والے تمام ایک جگہ آتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ ہم ایک ملک قائم کریں گے اور اس ملک کو ہم ایک سمویدھان میں کانسٹیٹیوشن کے تحت آگے بڑھائیں گے، اور وہ کانسٹیٹیوشن ان تمام
तबकों के इन तमाम लोगों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रीच किया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर तोड़ दिया जाता है, तो वो एक कौम के ऊपर फ्रॉड का की शक्ल इख्तियार करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की भी गुंजाइश है। अमेंडमेंट की गुंजाइश इसलिए कि जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जब कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले हिस्सा लिए, उस वक्त हर आने वाली मुश्किलात, हर आने वाली कैफियत को वो लोग अपने तसव्वुर में रख के उसके लिए इंतज़ाम नहीं कर सकते। इसीलिए इंतज़ाम ये किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड की गई कि अगर ज़रूरत पेश आती है तो आगे चल के इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि एक ऐसी सोच जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ मेडिटेट करती है, ऐसी सोच को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाए नहीं सकता, और जिसे वो गुमराह करे उसे कोई राह नहीं दिखा सकता। रब बना गुरु बना वादाई हदय बना हम बना जसुम रहमा इंद्र का करवा था। आज पंद्रहवीं सैयद सलीमुल्लाह हुसैन मेमोरियल लेक्चर में आप हजरात की मौजूदगी मुनसिब तंजीम सियार की गहरी वाबस्तगी को जाहिर करती है, बल्कि इस मौजे से मौजूद से ताल्लुक खातर को भी जाहिर करती है। थॉमस जेफरसन का नाम आप लोगों ने से अक्सर से सुना होगा। वो मशहूर अमरीकी सियासतदान मुदब्बिर दानिशवर थे, अमेरिका के पहले वजीर खारजा, दूसरे नायब सदर और तीसरे सदर थे। अमेरिका की आज़ादी का लानिया उन्होंने ही निर्वर्तित किया था। यही थॉमस जेफरसन ने दस्तूर के ताल्लुक से 200 साल पहले एक बात कही थी जो आज खास तौर पर हमारे मुल्क पर भी साबित होती। उन्होंने कहा था, The Constitution is a real thing of rights in the hands of the judiciary. वनस्थलीपुरम पुलिस ने डकैती और इकदाम कत्ल की वारदात में मुलविस एक मुलजिम और डकैती का माल खरीदने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से डकैत शुदा माल बरामद किया गया। एसीपी वनस्थलीपुरम के पुरुषोत्तम रेड्डी ने मीडिया को बताया कि 30 साला जी नवीन मुतवतीन हयात नगर और माल खरीदने वाले शख्स को हिरासत में लिया गया। 30 साला उमा देवी ने सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई थी। लोकल वनस्थलीपुरम पुलिस और हमारा राचाकोंडा का सीसीएस पुलिस इमीडिएटली अक्यूज्ड को गिरफ्तार करके इंटैक्ट प्रॉपर्टी रिकवर करें। इसका ये क्या है, वो अक्यूज्ड पूरा बीटेक कर रहे, बीच में डिस्कंटिन्यू करें, वो प्रॉब्लम बहुत उसको डेप्स हुआ, अल्कोहल का आदत हो गया उसका, इनमें वो कैसा डेप्स रिकवरी वो पे करना बोल के यूट्यूब में देखे, यूट्यूब चैनल्स में देखे, ये चेन स्नैचिंग कैसा वो करना बोल के देख के वो आइसोलेटेड औरत को रेंटेड हाउस का बहाना वो उधर विजिट करके अकेला औरत को टारगेट करके कल ये उसको अटेम्प्ट करके मर्डर करना बोल के अटेम्प्ट करके उसका चेन स्नैच करे, वो उसको इमीडिएट अरेस्ट करके 3 आवर्स में उसको कोर्ट में पेश करे। वनस्थलीपुरम में ये वनस्थलीपुरम में गौतमी नगर में कल रॉबरी और अटेम्प्ट मर्डर हुआ। उसका शाम में इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को आके वो कॉम्प्लेनेंट आके रिपोर्ट करे। इमीडिएटली पुलिस ने सराउंडिंग एरिया
महात्मा गांधी बस स्टैंड वाक़े इमलीबंद में आरटीसी बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक 3 साल बच्चे की मौत वाक़े हो गई। आरटीसी बस के टायर के नीचे आने की वजह से किशनबाग 9 नंबर के साकिन लड़के की मौत वाक़े हुई। ड्राइवर के अजीत सिंह साकिन मुतवतिन निज़ामबाद को मुतालिका पुलिस ने हिरासत में लिया और सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। थोड़ा बहुत डैमेज था फोन में, पूरे पड़ा डिपू के अंदर आके रोड डिपू आने के बाद काम अच्छा पर पैसा का गाड़ी स्पीड आया था गाड़ी सडनली वहाँ उतर डोर में उतर क्या मालूम पीछे वाला क्या मालूम गाड़ी पीछे रनिंग रोड है प्रॉपर हैदराबाद के हैं। कहाँ है आपका मकान? किशनबाग आ रहे थे लगा पूरा यहाँ के स्टॉप था उनका रोके रोकने स्टॉप यहाँ था भी नहीं लगा आगे स्टॉप है उनका निजामबाद का तो क्या करे इधर रोक दिया रोकते था बैग आऊंगा पूरे टोटली पूरा भैर निकाल दिया खाली बच्चा ऐसा फुटबट में ऐसा था जड़ बल के ऐसा हल्लू खींचते साथ ही गाड़ी जो सामने के डर में से चढ़ी पूरा पीछे का डर था पूरा भेजे पूरा लग लेते यार बच्चे का वो आप कौन है भाई बच्चे के? बच्चे का वालिद साहब। तो गाड़ी को रोके फिर आओ गाड़ी वहाँ है पुलिस ड्राइवर कहाँ है भाई भाग गया है? ड्राइवर है पुलिस वाले पकड़े बुलेट जी। तो अब आप क्या चाह रहे हैं गवर्नमेंट से भाई? इंसाफ चाह रहे हैं जी। यहाँ ऑलरेडी उनका स्टाफ भी नहीं है यहाँ रोकने का, उन लोगों का स्टाफ में आ गया यहाँ रोके पर रोकने की जरूरत भी नहीं है। बैग ऐसा निकाल के दे रहे हैं जड़ बोल के गाड़ी चले आ रहे पूरे एक गाड़ी ने पूरे गाड़ी मस्जिद चल रहे यहाँ बहुत लापरवाही हो रही है। कितने साल का बच्चा था सब? 2-3 साल का बच्चा था। क्या नाम है सब बच्चे? मोहम्मद आर जी। सुल्तान बाजार कोठी में वाकई एक कपड़ों की दुकान में आतिजदगी का हादसा पेश आया। हफ्ते की रात देर गए पेश आए इस आतिजदगी हादसे को देखने के बाद एक राहरू ने कंट्रोल रूम को मुतल्ला किया जिसके बाद फायर इंजन ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। ताहम तब तक दुकान जलकर खाकस्तर हो चुकी थी। मुतल्लिका पुलिस ने सिलसिले में जब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वेस्टर्न टास्क फोर्स टीम ने बाबा सुख तला पर कार्रवाई करते हुए बेगमपेट में वाकई एक बार और पब पर धावा किया और कोविड के रहनमाना खतूत के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। मस्कुरा पब से 15 लड़कियों को आज़ाद करवाते हुए रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया जबकि मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। Thank you.
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अगले 10 साल तक मैं ही रियासत का वजीर आला रहूंगा। केसीआर ने केटीआर की चीफ मिनिस्ट्री को लेकर की जा रही तमाम खयास आ रहियों का किया खात्मा। गैर जरूरी बयानबाजी से गुरेज किया जाए, पार्टी खायदीन को दी हिदायत। आरटीसी मुलाजमीन की मुलाजिमतों की तमानियत के सिलसिले में जॉब सिक्योरिटी दस्तावेज को रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट ने किया जारी। टीआरएस पार्टी आमिला का पार्टी हेडक्वार्टर में खसूसी इजलास। 12 फरवरी से पार्टी रुकनियत साजी मुहिम का होगा आगाज। मुख्तलिफ उमूर पर इजलास में किया गया तबादले ख्याल। आरटीसी बस ड्राइवर की लापरवाही। एमजीबीएस में 3 साल लड़का हादसे में हलाक। मुतालिका पुलिस ने की जाब्ते की कार्रवाई। डकैती और अकदाम कत्ल की वारदात मुलविस मुलजिम और डकैत शुदा माल खरीदने वाला शख्स गिरफ्तार। वनस्तिलपुरम पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन रवि न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रवि न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।